कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन काफी अलर्ट है और पूर्णिया डीएम राहुल कुमार समेत जिले के वरीय अधिकारियों ने संयुक्त रूप से पूर्णिया के आरंसा चौक गिरजा चौक के आसपास इलाकों में मास्क का वितरण किया और लोगों को मास्क पहनने के लिए खासतौर से जागरूक भी किया। इस दरमियान कई जगहों पर पूर्णिया डीएम ने अपने हाथों से मास्क का वितरण कर लोगों से मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की अपील की। बताया जा रहा है कि कोरोना के खतरों को देखते हुए लगातार टीकाकरण अभियान तो तेज कर ही दिया गया है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि लोग सतर्क रहें और कोरोना से बच सकें। मास्क पहनते हैं जी, अब से शुरू कीजिए कोरोना वायरस को देखते हुए, उसके नए वेरिएंट को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से कई एहतियात बरते जा रहे हैं। उसके आलोक में फिर से मास्क पहनने का ड्राइव शुरू किया गया है। सभी लोगों से अपील है कि अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने और हम लोग जागरूकता अभियान भी फिर से शुरू कर रहे हैं। माइकिंग भी नगर निगम क्षेत्र में भी शुरू की गई है। मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग कर रहे हैं और जागरूकता के उपरांत जो लोग मास्क फिर भी नहीं पहनेंगे तो नियम के अनुसार चालान भी काटा जाएगा।